हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो क्लास 9 से क्लास 12 सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फाइनली जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार था वो हो गया है, सीबीएसई ने नेशनलाइज्ड सिलेबस अपलोड कर दिया है। मतलब जब से सीबीएसई ने अपनी न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी बच्चे बहुत परेशान थे, टर्म 1 में क्या आएगा, टर्म 2 में क्या आएगा, कौन से चैप्टर आएंगे कौन से नहीं आएंगे, अब सब क्लियर हो गया है, सीबीएसई ने सब अपडेट कर दिया है। तो चैनल पर इस वीडियो के जस्ट बाद क्लास 10th का पूरा सिलेबस, क्लास 12th ह्यूमैनिटीज का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले पूरा डिस्कस कर लेते जल्दी से कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और प्रैक्टिकल का अब क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो भाई टर्म 1 कितने मार्क्स का होगा, टर्म 2 कितने मार्क्स का होगा, तो इनको 40-40 मार्क्स में डिवाइड किया गया, 40-40 मार्क्स के आपके होने वाले हैं और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होने वाले हैं। ये चीज उन्होंने पहले क्लियर करी। इससे पहले आपने अगर हमारी न्यू स्कीम वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में डालूंगा, वो आप पूरी देखना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि टर्म 1 कैसे होगा, टर्म 2 कैसे होगा। तो भाई ऐसे इसको डिवाइड किया गया, उसका पूरा सिलेबस आ गया है कि टर्म 1 में क्या आने वाला है, टर्म 2 में क्या आने वाला है, तो वो सिलेबस हम सिलेबस वाली वीडियो में पूरा डिस्कस कर रहे होंगे, ये पूरा चलता है। इसके बाद उन्हें प्रैक्टिकल भी लिया है, प्रैक्टिकल की पूरी बात कर लेते हैं। तो देखिए यार, आप लोग को पहले फाइल बनवा रहे थे तो अभी भी सब वही है, लेकिन अब चीजें चेंज हो गई हैं, तो वो पूरा मैं आपको अपने मोबाइल के जरिए डिटेल में बता देता हूँ जिसमें कुछ छूटे ना। तो भाई देखिए, हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल करवाते आ रहे हैं, वैसे ही चलेगा। तो सबसे पहले अगर हम ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ होता है, मतलब कोई एक चीज वहां पर नहीं होती है, तो इसमें हमारे सामने दो वेराइटी आ जाती है। सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है वो जहां पर प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है, वैसे सब्जेक्ट जहां पर मल्टीपल चीजें होती हैं लेकिन 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो यहां हमारे सामने दो सब्जेक्ट आते हैं, एक हमारा मैथमेटिक्स हो गया और एक हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया। तो अब यहां पर क्या किया गया है, मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जैसे अगर हम टर्म 1 की बात करते हैं तो 5 मार्क्स आपके पीरियडिक टेक्स्ट के रहेंगे और 5 आपके मैथ्स की जो एक्टिविटी होंगी उसके रहेंगे, 10 मार्क्स आपका टर्म 1 का हो गया। टर्म 2 में क्या किया गया है लोगों ने, टर्म 2 में आपके 5 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के रख दिए हैं और आपके दूसरे रख दिए आपके जो परफॉर्मेंस रहा प्रैक्टिकल और आपका जो रिकॉर्ड रहा उस पर 5 कर दिए गए। तो ऐसा करके 5-5-10 ये हो गया, तो टोटल टर्म 1 टर्म 2 मिला के 20 मार्क्स का आपका ये हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे सामने दूसरे नंबर पर ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो मल्टीपल प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स वाले हैं लेकिन ये हमारे 30 मार्क्स के, तब 30 मार्क्स के लिए इस सब्जेक्टों में क्या किया जाएगा, तो भाई इनको 15-15 में डिवाइड कर दिया जाएगा, टर्म 1 और टर्म 2। अब याद रखिए, जब भी टर्म 1 हम एग्जाम की बात करते हैं तो फिर इंटरनल एग्जाम ही रहेगा, मतलब आपके स्कूल लेवल का होगा, आपकी सब्जेक्ट टीचर वहां पर बैठी होंगी या जो भी इंटरनल एग्जामिनर होंगे वो बैठी होंगी। लेकिन अगर हम टर्म 2 की बात करते हैं तो यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का रोल रहने वाला है, मतलब किसी एक का नहीं रहेगा, यहां पर एक्सटर्नल भी आएंगे, तो ये टर्म 2 में हमें देखने को मिलेगा। मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं, टर्म 1 की अगर बात करते हैं तो 15 मार्क प्रैक्टिकल वुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सब्जेक्ट टीचर या फिर इंटरनल एग्जामिनर। लेकिन अगर सिचुएशन अगर खराब हो जाती है, कोविड की सिचुएशन बढ़ती जाती है, तो फिर क्या करेंगे, जब टर्म 1 आपका एंड होगा, जब आपका पेपर पेन का टेस्ट करवा लिया जाएगा, आपका जो भी सिलेबस था प्रैक्टिकल का उसके बेसिस पर आपका पेन पेपर टेस्ट हो जाएगा और 15 मार्क्स आपको उसके मिल जाएंगे। फिर इसके बाद अगर टर्म 2 की बात करते हैं तो भाई इसमें इंटरनल एक्सटर्नल आपके दोनों रहेंगे और आपका सिंपल प्रैक्टिकल ही कराया जाएगा। लेकिन बाय चांस सिचुएशन खराब होती है और प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है तो फिर स्कूल लेवल में आपका वाइवा प्लस आपका जो पेन पेपर टेस्ट है फिर से करा दिया जाएगा। लेकिन टर्म 2 में वाइवा भी इंक्लूड किया गया और यहाँ पर आपके एक्सटर्नल इंटरनल दोनों बोर्ड में बैठेंगे, सिर्फ आपका इंटरनल से यहाँ काम नहीं चलेगा। तो ये हमें पूरा देखने को मिलता है, मतलब अगर सिचुएशन खराब नहीं हो रही तो नॉर्मल चल रहा होगा, सिचुएशन खराब होती है तो टर्म 1 के एंड में और टर्म 2 के एंड में आपके प्रैक्टिकल करा दिए जाएंगे। इसके बाद भाई अब ऐसे सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं जहां पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल भी हमारी आ जाती है, तो उसमें ऐसे सब्जेक्ट जिनका प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क का है, जैसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज होता है, इनमें क्या कराया जाएगा, तो इनमें आपको साल भर में सिर्फ एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, उसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। जब आपको टॉपिक मिल रहा है, आप उस पर सोच रहे हैं, बना रहे हैं, तो टर्म 1 में इंक्लूड हो जाएगा और ऐसे ही करके टर्म 2, मतलब देखा जाए तो आपके पूरे प्रोसेस को, जो प्रोजेक्ट बनाने का प्रोसेस होता है, फाइल बनाने का प्रोसेस होता है, उनको मिलाकर चलाया जाएगा। तो 10 मार्क्स आपको टर्म 1 में दिए जाएंगे, 10 टर्म 2 में दिए जाएंगे, लेकिन ओवरऑल देखें तो आपको एक ही फाइल बनाना है। तो सब्जेक्ट के नाम फिर से रिपीट करता हूं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और लीगल स्टडीज। इसके बाद ऐसे सब्जेक्ट जिनका प्रोजेक्ट वर्क 30 मार्क का है और वो इसमें आते हैं हमारे लिसनिंग स्पीकिंग वाले में, तो एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है, इसमें भी आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और इसको 15-15 में डिवाइड किया जाएगा। टर्म 1 में आपका जितना प्रोजेक्ट का काम होगा उसके 15 मिलेंगे और बाद के 15 मिलेंगे, तो काम आपको समय पर करना है।
तो ये पूरा हमारा आ जाता है। इसके बाद भाई अगर हम बात करते हैं और लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स की, जितने भी लैंग्वेजेस हैं, हमारा ASL होता है, तो अगर ASL में ऐसा होता है कि भाई इन पर्सन लेना पॉसिबल है, तो आपका इन पर्सन ले लिया जाएगा और आपका ये स्कूल लेवल पर कराया जाएगा इंटरनल एग्जामिनर द्वारा। एक ये सिनेरियो हमारा बनता है। दूसरा होता है अगर भाई क्लोज रहता है, अगर क्लोज है तो फिर क्या कराया जाएगा, फिर आपका पूरा उन लोग कराएंगे ऑनलाइन, और इसमें भी आपके इंटरनल वो रहेंगे, जो हमारे इंटरनल एग्जामिनर है वो रहेंगे। अगर टर्म वन की हम बात करते हैं, मतलब टर्म वन में आपका स्कूल लेवल होगा, इंटरनल रहेंगे और आपका ASL हो जाएगा 10 मार्क्स का। टर्म टू की बात करते हैं, फिर यही सीन रहेंगे, लेकिन अब एक्सटर्नल भी आपके आ जाएंगे, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो, आपका एक्सटर्नल का रोल अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो सर बेसिकली दिया हुआ है आपको प्रोजेक्ट वाइवा का पूरा देखा जाएगा और एक्सटर्नल इंटरनल जॉइंटली इसको करेंगे 10 मार्क्स के लिए। या फिर ये हो सकता है कि आपको अगर ऑनलाइन करवाना हो तो फिर उसमें भी एक्सटर्नल बैठेंगे इंटरनल बैठेंगे और करवा दिया जाएगा। अब क्या आपको इसमें बनाना है, नेबरहुड सर्वे, रोल पे परफॉर्मेंस, ऐसी चीज़ें आपको स्कूल वाले बता देंगे कि आपको पूरा बनाना होगा। इसके बाद हमारे जो बाकी सब्जेक्ट आ जाते हैं, अब इनको भी या तो इन पर्सन कराया जाएगा या ऑनलाइन कराया जाएगा, और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिलकर कराएंगे। तो यही हमारा पूरा आता है यार, आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। अगर आप 10th का सिलेबस देखना चाहते हैं तो ऊपर वीडियो पर क्लिक कीजिए, 12th ह्यूमैनिटीज का सिलेबस देखना चाहते हैं तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद टाइम टेबल की वीडियो आ रही है, वो हर बच्चे को फॉलो करना है 9 से 12, आपका रिजल्ट 100% सुधर जाएगा, मेरी गारंटी, आप टॉप करेंगे। इस वीडियो खत्म करता हूं, साइनिंग ऑफ गुरु टेंगड़िया, बाय बाय।